नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश 18 अक्टूबर मंगलवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए आखिरकार शिक्षा विभाग ने गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था शुरू कर दी है। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाने का अधिकार एक कमेटी को दिया गया है। ये कमेटी रिटायर्ड टीचर्स के साथ रीट उत्तीर्ण नए युवाओं को भी गेस्ट फैकल्टी पर रख सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि विद्या संबल योजना के तहत लेक्चरर, सीनियर टीचर, टीचर लेवल 1 और 2, प्रयोगशाला सहायक और फिजिकल टीचर्स लगाए जा सकते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान करने के बाद गुजरात चले गए। वे 2 दिन तक वहां रुकेंगे और रोड शो, जनसभा और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गहलोत गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए थे। वे सोमवार को उदयपुर होते हुए नई दिल्ली चले गए। वे 18 अक्टूबर की रात और 19 अक्टूबर को दिल्ली में रहेंगे। 19 को ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे आएंगे, वे इस दौरान वहीं रहेंगे। राजस्थान के सीकर में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के सियासी खेल में बच्चों को पढ़ाई का खासा नुकसान हो रहा है। हालात ये हैं कि करीब 35% शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर स्कूल के अलावा इधर उधर ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि शिक्षकों की नियुक्ति कक्षा में पढ़ाने के लिए और स्कूल के संचालन के लिए होती है। लेकिन पिछले कई सालों से देखा गया है कि कक्षा कक्ष का शिक्षण, जो शिक्षक का प्राथमिक कार्य होता है, वो गौण होता जा रहा है। शिक्षकों को अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाकर उन्हें कक्षा कक्ष से दूर किया जा रहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर लगातार सोना तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। कस्टम विभाग की टीम ने सोमवार को एक बार फिर जयपुर एयरपोर्ट पर करीब 355.800 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा। पकड़े गए तस्करी के सोने की कीमत करीब 19 लाख रुपए बताई जा रही है। यात्री दुबई से सोना लेकर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा था, जहां पर कस्टम विभाग की टीम ने तलाशी के दौरान पकड़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज वोटिंग संपन्न हो गई। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर 393 पीसीसी सदस्यों ने वोट डाला। वैसे राजस्थान से 414 पीसीसी सदस्य हैं, इनमें से कुछ सदस्यों ने भारत जोड़ो यात्रा वाले शहर में वोट डाला। वहीं सचिन पायलट ने दिल्ली में वोट डाला। विधायक वाजिब अली विदेश में हैं। राघवेंद्र मिर्धा अपनी माता के निधन के चलते वोट डालने नहीं आए। मुख्यालय में वोटिंग सवेरे 10 बजे शुरू हुई और 4 बजे तक चली। सबसे पहला वोट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने डाला। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत, मंत्री बी डी कल्ला, विश्वेंद्र सिंह, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी सहित अन्य पीसीसी सदस्यों ने भी वोट डाला। झुंझुनू जिले के सराफा बाजार के लिए ये दीपावली खास होगी। कोरोना काल के बाद इस बार दीपावली पर सराफा बाजार में रौनक नजर आएगी। सराफा व्यापारियों को उम्मीद है कि दीपावली तक जमकर खरीदारी होगी। उन्हें इस बार जिले में 130 करोड़ से अधिक की खरीदारी की उम्मीद है। सराफा बाजार में हालांकि नवरात्र से ही खासी चहल पहल रहती है, लेकिन पुष्य नक्षत्र से दीपावली तक चमक दमक देखते ही बनती है। नवरात्र में हुई बम्पर बिक्री से दुकानदार उत्साहित दिख रहे हैं। उन्होंने दीपावली की तैयारियां शुरू कर दी है। पुष्य नक्षत्र 18 अक्टूबर को है। पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। लव मैरिज करने पर घर वालों ने थाने से अपनी ही बेटी को किडनैप कर लिया। 19 साल की लड़की अपने पति के साथ बयान देने पुलिस के पास आई थी, तभी तेज रफ्तार में सफेद रंग की कार आई और लड़की का अपहरण कर लिया। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले वो कार उसी स्पीड से थाना परिसर के बाहर निकल गई। ये सारा हाई वोल्टेज ड्रामा जोधपुर के बिलाड़ा थाने के बाहर हुआ। हालांकि बाद में लड़की के परिजन उसे हाईवे पर छोड़ गए। सिंधी कैंप जयपुर का जल्द कायाकल्प होगा। अब इस बस स्टैंड पर 1 लाख सुविधाएं मिलेंगी, जिससे रोडवेज में यात्री भार भी बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल सिंधी कैंप बस स्टैंड पर कई विकास कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता थी। आर्थिक मंदी और कर्जे में डूबी रोडवेज जहां अपने कर्मचारियों को दीपावली पर भी वेतन के लिए रुपयों का जुगाड़ करने में जुटी है, तो ऐसे में बस स्टैंड का विकास करना मुश्किल काम हो रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के बाद अब ये विकास कार्य आसानी से होंगे। धनतेरस से पहले मंगलवार को पुष्य नक्षत्र पर बाजार में जमकर धन वर्षा होने की उम्मीद है। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रह नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र को माना गया है। इस बार पंच पर्व से पूर्व मंगलवार को पूरे दिन और रात पुष्य नक्षत्र रहेगा। इस दिन मंगलवार होने से मंगल पुष्य का योग बना है। जयपुर में ही सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में फैले कचरे, बंद रोड लाइट्स व अन्य समस्याओं को लेकर विधायक अशोक लाहोटी ने सोमवार को हल्ला बोला। 2 ट्रॉली कचरा लेकर लाहोटी निगम मुख्यालय पहुंचे और चेताया कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो सांगानेर और मानसरोवर जोन में हल्ला बोला जाएगा। लाहोटी ने अधिकारियों को भी चेताया कि राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर काम नहीं करें। हमने भी लिस्ट बना रखी है, हमारी सरकार आई तो ब्याज सहित बदला लिया जाएगा।
टासान को 67 साल बाद जम्बूरी की मेजबानी का अवसर मिला है। ये राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 4 जनवरी से पाली जिले के रोहट में होगी। इस आयोजन को लेकर सोमवार को राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मुख्यालय जोधपुर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भल्लू राम खिचड़, CEO छतर सिंह PDR, गाइड CEO निशु कंवर चौहान ने जम्बूरी को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा, पंजीयन व जोधपुर जिले से स्काउट गाइड यूनिट लीडर के साथ बैठक आयोजित कर अब तक के कार्य की समीक्षा की। जैसे जैसे दीपावली का त्यौहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मिलावट खेल उजागर हो रहा है। लगातार नकली घी का बड़ा कारोबार जयपुर में पकड़ा जा रहा है। सोमवार सुबह करीब 6 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से अजमेर रोड पर धाबा स्थित एक फैक्ट्री पर कार्यवाही की और भारी मात्रा में नकली घी जब्त किया। ये घी कृष्णा और सरस ब्रांड के नाम से बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। अब फैक्ट्री के मालिकों पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। जोधपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क भवन में संचालित इंदर रसोई को हटाने की मांग को लेकर प्रताप नगर सुधार समिति द्वारा धरना दिया गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पूर्व में यहां संचालित इंदर रसोई को हटा दिया था, लेकिन अब वापस यहां इसका संचालन शुरू हो गया है, जिससे यहां दिन भर असामाजिक लोगों का जमावड़ा रहता है। इसी भवन में राजकीय चिकित्सालय प्रताप नगर जिला अस्पताल अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है, जिससे यहां आने जाने वाले मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने धरना देकर इंदर रसोई यहाँ से हटाने व भवन अस्पताल को देने की मांग की है। जोधपुर में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के चौथे सम्मेलन गांधी शांति प्रतिष्ठान में संपन्न हुआ। इसमें 25 सदस्य जिला कमेटी का चुनाव किया गया। निवर्तमान जिला सचिव मुकेश सक्सेना ने बताया कि चुनाव में जिला उग्राराम रलिया को जिलाध्यक्ष और महिपाल सिंह को जिला महामंत्री के रूप में चुना गया है। वहीं ज्ञानेश्वर चौधरी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टर रजनीश गालवा ने एक महिला की कटी हुई नाक वापस बनाकर जटिल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की। दरअसल गत 4 अक्टूबर को घर के झगड़े के दौरान पति ने किसी वस्तु से पत्नी की नाक काट दी थी। उसके बाद परिजन मरीज को लेकर गांधी अस्पताल आए और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में दिखाकर मरीज को भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर गालवा ने प्लास्टिक सर्जरी कर मरीज के ललाट से मांस से नई नाक बनाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।